तो अभी हैं गोरखपुर और मेरे साथ है अभिषेक, जा रहे हैं दिग्विजय की बहन की शादी में। वैसे वहाँ रुकेंगे नहीं ज़्यादा देर, बस चेहरा दिखाने जा रहे हैं क्योंकि कल मेरा कुछ काम है जिससे नंबर मेरे घट सकते हैं अगर मेरी उपस्थिति नहीं रही, तो इस वजह से मैं रुक नहीं पाऊँगा। पर पहले हम लोग चाय पियेंगे फिर निकलेंगे, और अभी हम लोग चाय पीने जा रहे हैं टी कैफे पे। सिंगड़िया में एक दुकान है, चाय अच्छी मिलती है, चलिए चाय पीते हैं। बोलिए आप कुछ। कुछ क्या बोलना है, अबे तुमको बस वो करना है यार, तो हम बस ऐसे ही उसको सिनेमैटिक फिल्म में डाल देते हैं। या अब बंद करो। चाय बढ़िया है। सिंगड़िया चाय पी चुके हैं और अभी हम लोग निकलते हैं। कुछ भी कहो भाई, इस भरी धूप में गाड़ी सेक्सी तो लगती है, अगर ये धूल के खड़ी होती तो और चमकती। जैसे आप अगर देवरिया जा रहे हैं और चौरी चौरा क्रॉस करें, या देवरिया से आ रहे हैं चौरी चौरा पहुंचने वाले हैं, और इधर यहाँ लहसुन वाला ना खाएं आप तो बेकार है। लहसुन वाला छोला भटूरा तो खा के आते हैं हम लोग, सॉरी लहसुन वाला छोला समोसा, समोसा छोला कुछ भी कह लीजिए, खा के आते हैं। जैसे कि आप अपना ट्रेडमार्क अगर नहीं रखेंगे तो यहाँ भी छोला समोसा रहेगा, वहाँ भी लहसुन वाला फेमस समोसा रहेगा, वहाँ भी रहेगा, उसके बगल में भी रहेगा, उसके बगल में और उसके बगल में, मतलब ऐसे ही आपका नाम यूज होते रहेगा और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। पर हम लोग जाएंगे पुरानी दुकान पे जो लिखे हुए हैं वहाँ पे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ा कि अभिषेक जो इतना ट्रैवल करता है उसको नहीं पता इसके बारे में यार। अरे यार मेरा गाँव इधर पड़ता है भाई, फिर भी नहीं जान रहा हूँ। क्या यार तुम ये नहीं जान रहे तो बेकार है। सुना था बस, मुझे लगा था कोई गोष्ठी टाइप की होगी, मुझे क्या पता इतनी फेमस जगह है। हमको रजत भैया बताए थे। भाई कुछ ज्यादा भी हमको लग रहा है, 25 रुपया का छोला समोसा खाते हैं, तो लहसुन डालने के लिए 35। दो टी लहसुन था भाई, दो टी लहसुन था मेरे में, एक था मेरे में, दो था मेरे में, ढाई लहसुन आ गया था, ढाई लहसुन। देवरिया में आप जाते ही देखेंगे इतने सारे होर्डिंग्स एडवर्टाइजमेंट, पर इसके किनारे किनारे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, और रात में आते समय यहाँ इतना अंधेरा रहता है, तो इसको योगी जी थोड़ा ठीक कराए। योगी जी क्या मतलब, स्थानीय लोग, नेता लोग थोड़ा ध्यान दें, लाइट बहुत ज़रूरी है। भाई हनुमान मंदिर के लिए राशन का जगह। अभी हम लोग गलियों में भटक रहे हैं क्योंकि इसको बिना फोन किए घर ढूंढना है इसे। ये कौन सा है, इशारा पब्लिक स्कूल। चलो इधर चलो। टियागो वाइट कलर की खड़ी होगी, कहाँ है वो, उधर मुड़ा था गली में। लोग अभी फिर लोकेशन खोलने दे, अंदर घुसाओ। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जाम नहीं लग जाएगा गली में? लगेगा, साइड साइड में कार खड़ी होगी, बगल में पार्किंग भी है, बारात के समय लगेगा जाम, बहुत बढ़िया लगेगा। बढ़िया। सौरभ गया था ना,
तिलक में। ठीक है ठीक है भाई, तुम आराम से तैयार हो, काम उम करो अपना। हाँ डिग्गी खुला है तुम्हारा, बंद करो पहले। भाई मिठाई है, अबे जल्दी ला। मैरिज हॉल में आ गए हैं, शकल दिखा चुके हैं हम लोग अब। एक मिनट, तुम्हारे यहाँ देवरिया शहर में स्ट्रीट लाइट से जगह होर्डिंग्स लगा हुआ है, इस पे क्या कहोगे? सोच समझ के कहना। सोचने लगे। नो कमेंट्स। ओके, ये बढ़िया था। सोचने लगेगा। ये बढ़िया था, पर हम कमेंट जरूर करना चाहेंगे भाई। स्ट्रीट लाइट की जगह इतना होर्डिंग्स लगा है, उसके जगह स्ट्रीट लाइट लग जाता है। इसमें जाओगे ना जब, हाँ, तो जैसे मान लो कि 8-9 बज रहा है, हाँ, तो तुमको एक भी लाइट नहीं दिखेगी रोड पर, होर्डिंग्स जरूर दिखेगा। और भाई इतनी इतना अंधेरा रहता है ना, वो भी छोड़ो, होर्डिंग्स ही लाइट कवर कर दे रहा है। इतना अंधेरा रहता है ना भाई, डर लगता है गाड़ी उड़ चलाने में। अभी तुम स्मार्ट दिख रहे हो भाई, खा लेने दो, बता रहा हूँ मैं। शादी में जब खाते हैं तो वीडियोग्राफर क्या करता है, तुरंत जो खा रहा होता है उसी को फोकस करता है। वैसे तुम मेरे पे कर रहे हो भाई, मैं समोसा खा रहा हूँ, तुम फोकस तुरंत कैमरा निकाल के ऑन कर दिए। अभिषेक को खाते हुए दिखा दें पूरी जनता को। पिताजी घर पे हैं, चलते हैं। जा रहे हो घर? पनिया कौन पिलाएगा भाई, तुम खिला के बस। पानी ला दो, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। पनिया नहीं पिला रहा भाई। और जो सबसे बड़ी बात, हम लोग इसके आए हैं, सब कोई मीठा खिलाता है, ये सारा हम लोगों को तीखा खिला रहा है। हाँ ले लिया है, ले लिया ना, हाँ। वहीं से सब ले लेते हैं। सुन ना भाई, रुक, 7:30 बज जाइयो, 8 बजे इतना लंबा इसका चेहरा देखे। अच्छा ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, वो आ रहा, आ रहा, आ रहा। धन्यवाद भाई क्लियर वाटर देने के लिए। ये कह रहे थे सिर्फ कवर चाहिए कि वो नमकीन वाला और कुछ तो अभी अभिषेक और हम लोग जा रहे हैं तिरुपति बालाजी मंदिर, यहीं पे ज्यादा दो चार किलोमीटर है। हाँ तो चलते हैं, हम लोग दो हेलमेट चलते हैं, सेफ्टी फर्स्ट। इनका बुलावा नहीं था, इसीलिए हम लोग नहीं आए, दरबार तक था ना। अभी इस जगह आए थोड़ी देर बस चिल करने के लिए, फिर चले जाएंगे। हम कह रहे हैं देवरिया बाहर वाले देखेंगे, कहेंगे कि देवरिया इतना था क्या? ये तुम्हें आया था तो मुझे पता था। थोड़ा और डेवलप योगी जी ध्यान दे दें तो अच्छा खासा बन जाएगा। नहीं ये जगह अच्छा है, 50-100 करोड़ अगर खर्च हो जाए तो एक नंबर जगह बन जाएगी। आई ऑल्सो लव देवरिया। मैं भी एक बार उठा के अभी से एक भागो, देखा जाए दौड़ा रही एक नहीं। आइए इस रेस्टोरेंट में कुछ पीते हैं। तो अभी हमें देवरिया में और देवरिया पे इस होटल पे ब्लेसिंग रेस्टोरेंट बेकरी एंड बैंक्वेट हॉल सब कुछ यही है, होटल से लेके रेस्टोरेंट तक। तो यहाँ आप आ सकते हैं, अच्छी जगह है और अंदर का लुक तो बहुत ही एस्थेटिक है। तो अभी हम लोग दिग्विजय से मिल के निकल चुके हैं क्योंकि जल्दी जाना है घर, कुछ काम है। शादी तो अटेंड नहीं कर सकते हैं पर थोड़ा यहाँ गलियों में घूमते हुए वापस गोरखपुर अभी निकल जाएंगे हम लोग। एक पार्क ढूंढ रहे हैं, पार्क में थोड़ा रहने के बाद फिर निकल लिया जाएगा। कौन से जगह पे हमको नहीं पता, कोई तो रोड है, बैंक रोड है। बैंक रोड नहीं है भाई, बैंक रोड वाला फील आ रहा है। यही पार्क है, यही पार्क है।
तो पार्क में आ चुके हैं, फ्रेंड्स बनाए हैं सब दीनदयाल उपाध्याय। चलो सब बढ़िया है भाई, नाइस। ए भाई बढ़िया पार्क है। देवरिया में ये भी सब चीजें हैं क्या? तो अभी हमें देवरिया पार्क में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क अभिषेक ले गया है। सही है क्या? सनसेट है। अच्छा वो गुरुद्वारा है वहाँ पे, गुरुद्वारा है और ये पार्क है। बढ़िया है, बढ़िया पार्क है, मज़ा आ गया देवरिया में। पर अब तो शादी अटेंड नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो अब हम लोग गोरखपुर के लिए निकलेंगे, तो अब ख़त्म करते हैं। यहाँ पे थोड़ा कुछ खा पी के उसके बाद जाते हैं घर। चलो अभी से एक कसम से यहाँ से अब खाने के बाद सीधे गोरखपुर। ब्लॉग को करते हैं ख़त्म।